तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम छूटा है। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और उन लोगों से पूछेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मेन चीज़ें हम लोग पूछने वाले हैं क्योंकि हमारा लाइव एक घंटे का हो चुका था। चलिए अब आप लोग बताइए कि किस तरह से चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कितना कितना अटैम्प्ट रहा है, जल्दी से आप लोग लास्ट तक सब लोग चले गए थे ना, पेपर देख लिया था। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको क्या लग रहा है कि पेपर का लेवल क्या माना जाए? बस एक वर्ड में आपको आंसर दे रहा है, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट क्या सर? इजी मॉडरेट। 80% क्वेश्चन करने लायक थे, करने लायक थे सर। मेरा सेकंड शिफ्ट में सर अच्छा था पेपर, 65 अटेम्प्ट, मतलब सही होंगे, करेक्ट होंगे सर। ठीक, 75% मतलब करने लायक था। हाँ। मतलब मॉडरेट था, अगर आदमी चाहे तो कर सकता है। आपने थोड़ी पढ़ाई कम कर रखी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। सर पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, साइंस का थोड़ा अगर आप हटा दोगे तो बिल्कुल ही इजी था सर। साइंस को अगर हटा दिया जाए, मतलब साइंस का लेवल अच्छा खासा है जिसकी वजह से पेपर को मॉडरेट कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलो ये बातें हो गई। अब एक बार मैं सबसे पूछूंगा कि साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं। आप अपना तीनों सब्जेक्ट को बताइएगा कि फिजिक्स से ये, केमिस्ट्री से, फिर मैं आपसे पूछूंगा। बताइए सर, फिजिक्स के अंदर जो है आपका फ्यूज स्टार वगैरह हमारे पास देखने को मिला था, और केमिस्ट्री के अंदर जो है मतलब कुछ रिएक्शंस देखने को मिली थी, और बायोलॉजी के अंदर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमें कुछ प्लांट्स देखने के लिए मिला था। प्रकाश संश्लेषण सर, प्रकाश संश्लेषण वगैरह मिला था। जी सर, वाष्प संश्लेषण वगैरह उसे देखने को मिला था सर कुछ। अच्छा, कितने क्वेश्चन बायो किसका पोर्शन ज्यादा था या सबका बराबर था? सर अधिकतर क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से सबका बराबर ही था, इक्वल इक्वल, इतना ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं जो है सही करे था, मैंने 64 क्वेश्चन करे हैं और मैं हाथ माल में, क्योंकि जो है एक दो क्वेश्चन तो हो गया होगा, नहीं तो सही अपने इसमें चांस में सही करे। अच्छा, सही क्वेश्चन किए। आप बताइए कैसी लगी आपको साइंस? मैंने सर 75 क्वेश्चन किए थे, पूरे 100 क्वेश्चन देखे थे मैंने। बहुत अच्छी बात। उसके बाद साइंस मतलब थोड़ी कठिन थी। साइंस में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं। देखो ये वाली बात बहुत देखने को मिल रही है, एक एवोगैड्रो नंबर से क्वेश्चन था बस, और उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि बी बराबर आई आर पे एक क्वेश्चन था, इसके अलावा साइंस से चीजें नहीं देखने को मिली है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। जैसे TCS पहले कर रही थी, 2-3 न्यूमेरिकल डाल रही थी, इस बार न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिले हैं। बताइए और बता दिए कुछ क्वेश्चन बस सर, कुछ जेनेटिक्स वगैरह से आया था, अनुवांशिकता से कुछ चीज देखने नहीं, 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 कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं था। और कोई क्वेश्चन आप बताइए आपका क्या मतलब, फिजिक्स का लेवल आपको कैसा लगा? फिजिक्स सही था, लेकिन जो केमिस्ट्री वगैरह है वो थोड़ी टफ थी। और बायो? बायो भी सही थी, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री टफ लगी। केमिस्ट्री टफ लगी, आपको क्या लगा? सर फिजिक्स का सेक्शन में अगर 2-3 क्वेश्चनों को अगर नेगलेक्ट कर दिया तो आसान रहा था, बाकी 2-3 क्वेश्चनों में ऐसा था कि थ्योरी बेस पूछ कर उसने काफी डीप ऑप्शन दे दिए थे, जहाँ कंफ्यूजन थोड़ा था। अच्छा, बाकी केमिस्ट्री में था डीप और बाकी बायोलॉजी आसान था। चलो आपसे, आप दोनों लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब आप लोगों ने अब ये बता दिया आप जरूर से जरूर कि आपके टेस्ट बुक वगैरह पे जब आप टेस्ट लगाते थे कितना स्कोर कर पा रहे थे उस टाइम पे? सर उसमें लगभग 65 से लेकर 75 तक समथिंग था उसमें। वहाँ पे 65-75 था, यहाँ क्या लग रहा है यहाँ अभी का पेपर देख के? अभी फिलहाल सर अगर 70 प्लस इसमें 100% रहेगा सर। 70 प्लस जी ना? सर, जी सर। मतलब उसके लेवल में और इसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो लगभग सेम ही मान के चलें। जी सर, अगर जो अभी फिलहाल वाले जो लेटेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल उसी के हिसाब से ठीक है। 60% का वो बाकी ओल्ड के हिसाब से ठीक है। 60% का और अभी यहाँ? अभी यहाँ 64 हुए हैं। बस बस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका वहाँ पे स्कोर चल रहा है लगभग वही आप कर पाओगे हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, तो स्टैटिक जीके और करंट के बारे में बता दीजिए, कहाँ से करंट पूछी गई है? सर करंट जो है 2022 और 21 अधिकतर पूछी गई। जो करंट का सर लेवल है वो 2022 और 21 से पूछा गया अधिकतर। अच्छा, और लगभग जो 19 से 20 से एक ही क्वेश्चन था और नहीं था सर। दो नियुक्ति से क्वेश्चन आए हैं? हाँ सर बिल्कुल आए हैं, उसके अंदर एक लोकपाल वाला आया था और एक सर जो है आर्थिक सलाहकार। जी सर, आर्थिक सलाहकार हो गया। और संविधान के अंदर जो है राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल में अपनी घोषणा लगा सकता है, किसका अधिकार है? एक अवार्ड से क्वेश्चन आया है। सर अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था ध्यानचंद वाला, बदला है सर। राजीव गांधी का नाम जो है ध्यानचंद कब हुआ था ये आया हुआ सर। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो याद आए तो बताना, अगर याद है तो बताइए। साइंस के अंदर सर? नहीं, इसी में सर। सर जी के अंदर स्टडी जी की बात करते हैं, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आता स्टडी जी के सर? एक तो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बाल विकास योजना वाला जो है शिक्षा वाला आया था क्या?
बाल विकास शिक्षा वाला जो आया था। अच्छा, बाल विकास शिक्षा से रिलेटेड पंचायती राज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन था पंचायती राज वाला? कब कौन से राज्य में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? अच्छा, वो राजस्थान के नागौर जिले वाला क्वेश्चन था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन राज्य दे रखा पूरा सर। एक योजना से आया था, योजना पंचवर्षीय योजना वाला था? नहीं, पंचवर्षीय नहीं, योजना से मतलब उसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पुरस्कार को लेकर एक क्वेश्चन और था, उसमें दिया था कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं को जो पुरस्कार दिया गया था, कितनी भाषाओं में दिया गया था? तो 21-22-23 लगभग उसमें ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर स्टैटिक जीके का, जैसे आपने बताया था कि साइंस में लगभग 15 क्वेश्चंस तक एवरेज है, तो यहाँ स्टैटिक जीके और जीके में क्या एवरेज रहेगा सर? सबसे अच्छा भी सर साइंस के अंदर ही रहेगा, स्टडी जीके के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि स्टडी जीके सर इतना पूछा नहीं। यस सर, करंट सबसे ईजी थी, करंट ईजी था। 20 क्वेश्चन समथिंग से अगर हैं तो उसमें जो पढ़ने वाला बच्चा वो 50 के आसपास बना सकता है, 15 बना सकता है उसमें, 15 आराम। 20 में से 15 क्वेश्चन बना सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है यार। तो हम इस चीज़ से कट ऑफ का अंदाजा लगाते चल रहे हैं, 15 वहाँ 12 यहाँ मान लेते हैं, 12 15। ठीक है, चलिए अब बात आइए मैथ्स का लेवल के बारे में बात। सर मैथ्स का लेवल तो मेरे सबसे बहुत ही इजी था, कोई हार्ड नहीं था सर। मैथ्स का लेवल इजी था, बिल्कुल इजी। आपको भी क्या लग रहा है? हाँ, इजी था। एक क्वेश्चन छोड़कर वो बार ग्राफ को लेकर थोड़ा था, बाकी वो हो गया था, बाकी आसानी था। ठीक है, ठीक है। रीजनिंग जो है ना, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा पूछा था सर। रीजनिंग के अंदर अधिकतर जो है सीरीज वगैरह के क्वेश्चन आए थे, लगभग 4-5। स्टार्ट कर दो एक बार। और इसके अंदर सो है हमें मतलब डायग्राम वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे। रेंजिंग के अंदर जो हमारा सेटिंग अरेंजमेंट होता है उससे क्वेश्चन मिलते हैं, 2-3 क्वेश्चन थे शायद उसके अंदर। ठीक है, और मैं हाल तो सही था, बस ज्यादा 4 क्वेश्चन टाइप थे बस। सेटिंग अरेंजमेंट सर 2 क्वेश्चन दिए थे, जो एक तो सर्कल के लिए लेकर था, 6 व्यक्ति इसमें दे रखे थे, और बाकी पंक्ति को लेकर दिए थे सर। बाकी एक पंक्ति को लेकर दिया था कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो ब्रज का था और 3 ब्रज की तरफ केंद्र करके मुंह करके बैठे हैं, एक ब्रज के अंदर, एक उत्तर की तरफ लेंथ होती है उसका। पूछा था कि मतलब ऐसे से लंबा होगा या छोटा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था। सेटिंग मतलब बड़े छोटे में आ जाता है उसके अनुसार, जो मतलब कह सकते हैं रीनिंग का जो लेवल भी है वो भी आसान ही था, इतना हार्ड नहीं था सर। मैथ और रीनिंग ठीक था, इतना हार्ड नहीं था, कर सकता है। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग इजी था, 45 क्वेश्चन जहाँ तक है तो यहाँ मेरा मानना था 45 के अंदर से लगभग 40 आराम से कर देगा व्यक्ति, इतना अच्छा था। क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में, 55 क्वेश्चन है, 55 में सर, हाँ तो आराम से 50 कर देगा, इतना इतना। तब तो ये बहुत अच्छी बात।